नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। आज की व्यस्त दिनचर्या और प्रतिस्पर्धा के दौर में ज्यादा गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन बेहद आम बात हो चुकी है। पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस, काम की अनियमितता और दबाव लोगों में इस परेशानी के सामान्य कारण होते हैं। गुस्से में आपा खो देना अब लोगों के स्वभाव में शामिल हो चुका है। ऐसे में अधिकांश लोग इस ओर कम ध्यान देते हैं, जबकि गुस्सा आना कई स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत की ओर संकेत करता है। आइए जानते हैं किन खतरनाक बीमारियों के प्रारंभिक लक्षणों में ज्यादा गुस्सा आना अथवा चिड़चिड़ापन शामिल है। बर्न आउट, यह बीमारी ज्यादा काम करने, स्ट्रेस लेने या फिर कम नींद लेने के कारण होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई लोग अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जीवन के कारण थका हुआ या फिर अधिक परेशान महसूस करते हैं, जो बर्न आउट नामक बीमारी का रूप ले लेता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। थायराइड, शरीर के जरूरी ग्लैंड थायराइड में से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। जब शरीर में यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता है तो लोग हाइपोथायराइड से पीड़ित हो जाते हैं। वहीं इस हार्मोन की कमी से भी लोगों को अधिक गुस्सा आ सकता है। हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में भी मूड स्विंग देखा जा सकता है। चिड़चिड़ापन या फिर ज्यादा गुस्सा शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने के कारण भी आ सकता है। बता दें कि पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन जब शरीर में कम मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो ऐसे में लोगों का बर्ताव भी प्रभावित होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से अधिक गुस्सा आता है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जल्दी थक जाना, सांस फूलना, जरूरत से ज्यादा वजन या फिर बेवजह अधिक पसीना आना भी हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को कभी भी हल्के में ना लें। जब शरीर में इस तरह की परेशानियां नजर आएं तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलकर उन्हें इन समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। कैसे करें कंट्रोल? स्वस्थ भोजन किसी भी परेशानी से निजात पाने के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा देर भूखे रहने से भी लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ती है। ऐसे में समय पर खाना खाएं, पूरी नींद लें और अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम को जरूर शामिल करें, जिसके कारण आपको गुस्सा अधिक आता हो उस बारे में ज्यादा न सोचें। हमेशा खुश रहें और परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। धूम्रपान व शराब के सेवन से दूर रहें। स्ट्रेस कम लें और कोशिश करें कि ऑफिस की बातों को वहीं तक सीमित रखें। इस तरह से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में भी इस संबंध में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।